सो फाइनली दोस्तों सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 हो भाई साहब 1 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रही है। एंड गाइस आज कौन सी डेट है कहीं आप भूल तो नहीं गए? जी दोस्तों आज है 18 अक्टूबर दोस्तों, और 18 अक्टूबर को दो बड़े धमाके हैं आज सिंघम अगेन को लेकर, क्योंकि सिंघम 3 का पहला भाग सिंघम फर्स्ट आज थिएटर में दोस्तों रिलीज हो चुका है। वेल दोस्तों एडवांस बुकिंग में सिंघम अगेन ने धमाल मचा दी है ओवरसीज के अंदर, बताऊंगा पूरी खबर लेकर आऊं। और आई नो यू आर सो एक्साइटेड रवि भैया, कितने शोज हैं, कितने स्क्रीन्स हैं, कहां कहां रिलीज हो रही है हमें प्लीज बताइए। दोस्तों घबराओ मत, आपको पूरा स्टेटस दूंगा, वीडियो लंबी होगी, होने दो। एंड गाइस सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पे भाई दहाड़ रही है, शेर दोस्तों जैसे दहाड़ता है वैसा ही अपना अजय देवगन दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे दहाड़ेगा। जी गाइज आपको बता दूं BB3 वाले भी प्रमोशन में कमी नहीं छोड़ रहे हैं, BB3 वाले भी दोस्तों सिंघम अगेन को ही फॉलो कर रहे हैं, उनकी तरह कटआउट पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। एंड गाइज दोनों फिल्में जो है कांटे की टक्कर हो रही है, क्योंकि दोनों फिल्मों में कोई ऊपर नीचे नहीं है, अब बुक माई शो पे भी दोनों का स्टेटस इक्वल हो चुका है। सो गाइज पूरी वीडियो को देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना, और सिंघम ने कितना कमा लिया है सिंघम के फर्स्ट पार्ट ने एडवांस बुकिंग में वो भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो वेल दोस्तों जितने भी छपरी लोग हैं भैया आपको बता दूं कि हमारा बाप आ रहा है, बोले तो भाई साहब अजय देवगन आ रहा है। गाइज अजय देवगन की ही मेन फिल्म है ये। कुछ छपरी बोल नहीं रहे थे कि यार अजय देवगन का तो सिंगल पोस्टर तक नहीं आया था, एंड अजय देवगन तो ग्रुप में ही लड़ता है, ग्रुप में अजय देवगन आ रहा है, ऐसे तो उसकी फिल्म तो दोस्तों हिट हो ही जाएगी। भाई साहब कटआउट पोस्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कटआउट पोस्टर अजय देवगन का ही लगा हुआ है थिएटर के बाहर। मैं बात करूं गेटी गैलेक्सी, राजमंदिर सिनेमा, ये बड़े बड़े सिंगल थिएटर दोस्तों जहां पर आग लगी पड़ी है। मैं बात करूं दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, चाहे वो दिल्ली का CP हो, इसके अलावा दोस्तों कई राज्य हो, वहां पर भी बड़े बड़े बैनर मेट्रो के ऊपर लगा दी पूरी एडवर्टाइजमेंट, पूरा सिंघम, मतलब दोस्तों BB3 से ज़्यादा कटआउट पोस्टर होर्डिंग्स मैं देख रहा हूँ, बैनर जो है वो सिंघम पे दोस्तों लगे पड़े हैं। और भाई सिंघम के पूरे बैनर पड़े दोस्तों हर जगह, सिर्फ और सिर्फ बाजीराव सिंघम। मैं तो कहता हूं कि अजय देवगन ने कहा था कि गूगल पर चेक कर ले बाजीराव तुम्हारा बाप है, भैया मैं तो ये कहूंगा कि गूगल पर जाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो सड़कों पर उतरने पे ही दिख जाता है कि भाई बाजीराव सबका बाप है इन छपरियों का। वेल दोस्तों बता दूं कि आज 18 अक्टूबर है, एंड 18 अक्टूबर को कहा जा रहा था कि राम राम सॉन्ग जो है वो रिलीज होगा दोस्तों, जैसे मैंने कल कहा था। एंड आज ये सॉन्ग दोस्तों लगभग शाम तक 3 बजे तक आ सकता है, तो तैयार जो राम राम सॉन्ग के लिए, और इसका बहुत जल्द एक ऑफिशियली पोस्टर भी आएगा दोस्तों राम राम सॉन्ग का, जिसमें अजय देवगन ऑफकोर्स भाई साहब राम राम सॉन्ग सुनते ही दोस्तों हम राम युक्त हो जाएंगे दोस्तों, एक अलग ही सॉन्ग है गजब के लेवल का। इसके साथ से दोस्तों जो मैं अभी अपडेट लेके आऊं, देखो सबसे पहले आपको बता दूं गाइस, लेट मी शो यू द स्क्रीन्स बेसिकली। तो अभी जो है जो रिलीज हुई है सिंघम का पहला भाग, भाई ये कौन कौन से थिएटर में हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट है जो मैंने लिए हैं, तो मुंबई के अंदर किस किस जगहों पे कितने बजे शो है वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मुंबई में आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रही होगी स्क्रीन तो मे बी देख लो आप। सो गाइस मुंबई के अंदर आपको बता दूँ कि कुर्ला हो गया, एंड मलाड हो गया, मीरा रोड हो गया, मुलुंद हो गया, मुंबई सेंट्रल हो गया, जो मुंबई के लोग हैं नवी मुंबई, पैनवेल, थाने, इसके अलावा उल्हास नगर गाइस, एंड उसके अलावा विरार फोर्ट, मतलब मोस्टली आपको दिखेंगे सुबह के शोज़ हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं एवरेज शोज़ की बात करूँ तो दोस्तों सुबह के शोज़ हैं, लगभग 11 बजे से शोज़ स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि एवरेज शोज़ 11 बजे की भी हैं, 1 बजे की भी है, शाम के 3:30 बजे की भी है, 5 बजे की भी है, मोस्टली रात के शोज़ ज़्यादा दिख रहे हैं इसके अंदर। जो रात के शोज़ मैं आपको बता दूँ तो 7 बजे से लेकर रात के 1:30-2 बजे तक भी शोज़ है दोस्तों, सबसे मज़े की बात तो ये है। एंड इसके अलावा और भी जगह जैसे कि दहीसार मुंबई के अंदर, घतोक पर, एंड गोरेगांव के अंदर भी 6 बजे का शाम को है, एंड जितने भी PVR आयोनेक्स है दोस्तों, PVR आयोनेक्स सिनेपोलिस, वहाँ ये फिल्म पहला भाग रिलीज किया गया है जी दोस्तों। एंड ये मुंबई की मेरे पर डिटेल्स आई है, बांद्रा हो गया, भानपुर हो गया, एंड बोरीवाली हो गया, एंड चैम्बूर हो गया, वहाँ पे भी लगभग दोस्तों मैं जो शोज देख रहा हूँ वो शोज जो है मोस्टली रात के शो सबसे ज़्यादा है इन इन जगहों पर लोकेशन, तो मुंबई जो है रात की नगरी है गाइज। इसके साथ ही साथ आपको मैं अगर बुक माई शो का स्टेटस बताऊं दोस्तों कि अभी बुक माई शो पे क्या चल रहा है, देखो गाइस बुक माई शो पे BB3 248,300 दिखा रखा है, उतना ही सिंघम अगेन 248,300 दिखा रखा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों ऑफकोर्स दोनों में कांटों की टक्कर हो रही है। एंड एक और चीज़ आपको बता दूं दोस्तों,
जब मैंने बुक माई शो देखा ना भाई, तो मैं बुक माई शो का आपको लेट मी शो यू इन मुंबई में क्या चल रहा है। तो मैं मुंबई में गया, सिंघम लिखा, सिंघम री रिलीज, सिंघम हिंदी दोस्तों आप चेक कर सकते हो, बुक टिकट का ऑप्शन आ रहा है आप देख सकते हो दोस्तों। एंड मैं यहाँ पे गया बुक टिकट में। उसके बाद देखो दोस्तों, इसमें जो शोज़ बता दूँ, कम से कम 18 अक्टूबर के मुंबई के अंदर भी जो शोज़ की बात करूँ, 50 शोज़ के आसपास दिख रहा मुझे, जिसमें नवी आप देख सकते हो दोस्तों, ये सारे शोज़ आप देख सकते हो, ये शोज आप देख सकते हो दोस्तों, ये सारे शो देख सकते हो आप। तो मैं आपको हाउसफुल, तो एक जगह तो हाउसफुल भी हो चुका मुंबई के अंदर भाई। 11 बजे का तिलक साइनेपोलिस पूजा न्यूली रिनोवेटेड डोंबिवली में एक शोज, 10 बजे का शोज हाउसफुल हो गया है। अब भाई पहला पार्ट अभी भी अगर री रिलीज होने के बाद भी हाउसफुल हो जाए, एंड गाइज इतने ज़्यादा शोज मिले, तो आप सोच सकते हो कि भाई क्या ही बवाल होगा, एंड इसके एडवांस बुकिंग क्या ही होगा, तो उस पर भी आते हैं दोस्तों। तो कम से कम 50 शो देख रहा हूँ मैं उसके अंदर, मुंबई के अंदर, एंड जिसमें से कि नवी मुंबई के अंदर नेक्सस सीवुड हो गया, विवियन मॉल हो गया, भेंडर हो गया, घतकोपर हो गया, गोरेगांव हो गया दोस्तों बहुत। इसके अलावा चलो मैं दोस्तों आपको मुंबई के अलावा अगर दिल्ली की बता दूँ, तो दिल्ली का भी चेक कर लेते हैं। लेट मी शो यू इन दिल्ली में क्या पोजीशंस है। बताओ मैं दिल्ली में गया एंड मैंने टाइप किया दोस्तों यहाँ पे सिंघम, एंड आप देख सकते हो दोस्तों सिंघम का हिंदी में क्या आ रहा है। सो यस, बुक टिकट का ऑप्शन आ रहा है भाई साहब। कम से कम दिल्ली में भी 60-70 शो दिख रहे हैं भाई, दिल्ली में तो और भी बवाल है। हालांकि यहाँ पे हाउसफुल नहीं है, बट ये कि शोज अंदर जाके अगर मैं देखूँ, लाइक वसंत कुंज में जाके देखूँ, तो भाई वसंत कुंज में भी मोस्टली हाउसफुल आप देख सकते हो दोस्तों, मोस्टली आगे के फ्रंट सीट सारे बुक है। तो गाइज इसका मतलब ये हुआ कि सिंघम जो है फुल फ्लेज तरीके से, आपको बता दूँ इंडिया के अंदर, चाहे साउथ हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, साउथ के हर जगह पे फुल तरीके से सिंघम री रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहला भाग आप देख सकते हो आज जाके किसी भी थिएटर में, आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, अहमदाबाद में हो, हर जगह ओपन हो चुका है। एंड दोस्तों जो शोज़ मिले हैं एंड स्क्रीन्स मिले हैं दोस्तों, स्क्रीन्स आपको बता दूँ कम से कम ये जो है 1500 से लेकर 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। एंड शोज इसको कम से कम बता दूँ इंडिया के अंदर लगभग गाइज कम से कम भी 4000 शोज के आसपास में इसको मिला है अच्छा खासा स्पेस। एडवांस बुकिंग की बात करूँ दोस्तों, कल इसकी एडवांस बुकिंग चालू हुई थी पहले भाग के लिए, तो करोड़ों में तो नहीं है बस, यस कम से कम लाखों में है, जो कि 50 से लेकर 55 लाख का कलेक्शन पहले दिन कर चुकी है। और आज रात तक जो है लगभग एडवांस और आज का मिलाकर बात की जाए, क्योंकि कई लोगों ने टिकट जो है ऑन द स्पॉट बुक किया है, तो गाइज आज 1 करोड़ के ऊपर भी जा सकती है एडवांस बुकिंग को लेकर, क्योंकि सिंघम अगेन दोस्तों आपको बता दूं मैं भाई तगड़ा कलेक्शंस कर रही है, जो मेरे पास खबरें आ रही दोस्तों, क्योंकि आज भी डे नंबर फर्स्ट का जो बॉक्स ऑफिस आएगा सिंघम री रिलीज का, वो बहुत फाड़ू आने वाला है, जिसके अंदर आज भी कई फिल्में चल रही है। विक्की विद्या का वीडियो चल रहा है, एक फिल्म अभी आई थी दोस्तों क्या बोलते हैं जिगरा मूवी, उससे तो अच्छा ही कलेक्शंस कर रही है भाई, उसके भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसके साथ साथ दोस्तों सिंघम अगेन का बोले तो तीसरा भाग भाई साहब, ये ओवरसीज के अंदर यूएई के अंदर भी हाउसफुल चल रहा है, एंड कई जगहों पर ओवरसीज में इसकी एडवांस बुकिंग खुल चुकी है गाइस, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी फुल टू फुल प्रमोशन जारी है, तो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाओ सिंघम को देखो, एंड दोस्तों सिंघम को मेमोरी को रिकॉल करो, क्योंकि ये नॉस्टैल्जिया है। एंड क्या लगता है दोस्तों आज कलेक्शंस कितना आएगा, क्या लगता है दोस्तों आपके आसपास में थिएटर में क्या सिंघम चल रही है, मुझे कॉमेंट करके बताओ दोस्तों। और सिंघम का पहला भाग किसी ने नहीं देखा या किसी ने देखा वो भी कमेंट करके बताओ दोस्तों। सिंघम अगेन वर्सेज BB3 BB3 कौन बाजी मारेगा, क्योंकि दोनों के बड़े बड़े कटआउट पोस्टर, चाहे वो राजमंदिर सिनेमा हो दोस्तों, चाहे वो बड़े थिएटर हो, मराठा मंदिर हो, हर जगह BB3 का भी लग चुका है। तो गाइस कंपटीशन टफ है, लेकिन कितना भी टफ कंपटीशन हो, बाजी तो अपना बाजीराव ही मारेगा दोस्तों। जी है दोस्तों, बाजी तो अपना बाजीराव ही मारेगा, अपना शेर ही मारेगा। बोले तो आज देखो दोस्तों क्या लगता है बॉक्स ऑफिस का बाप कौन है, एंड सिंघम अगेन वर्सेज BB3 गाइज क्या लगता है कौन बाजी मारेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आज पहला सॉन्ग आने वाला है, तो आर यू एक्साइटेड, कमेंट करो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद गाइज, लव यू दोस्तों, बाय।